Sakarpet ve Amur en Ocağanan Bulucistan. Şuru şu da bu. İbrazna şandar final maç. Deba Esports Futbol Club. Ve mukabele Swiss Sadrangers Futbol Club. Kulca Bazimona. De İbrazna şandar final maç. Memari hususi azmo. Muhterem Cenab Vaziri Ala Balochistan. Can Kamal Khan Aryani. Vasadri Mehfil Chairman Azara Democratic Party Subai Mushiri Kilo Samafat Mahamuri Jawanan Muhtaram Jinaab Abdul Khalif Azara Samafasa Ma Asrafi Asbotho Asrafi Tournament Committee Mehman स्पोर्ट्स के फरोख के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या करने जा रही है जी पहले तो अच्छा एक गेम देखने को आया और बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से जब भी कोई बात आती है हुकूमत बलूचिस्तान हर लिहाज से कोशिश करती है कि इसमें आगे आगे बढ़कर जितना भी हम कर सकें हम इसमें कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह इस पहले PSDP में आपने उसकी कुछ झलकियाँ देखी होंगी कि इंशाल्लाह हम पूरे बलूचिस्तान में कोई 35 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपनी नौयत का सिर्फ एक खेलने का ग्राउंड नहीं होगा बल्कि उस पूरे शहर के लिए टाउन के लिए सब के लिए एक तफरीगाह भी होगी एक कल्चरल प्लेस भी होगा एक कॉम्प्लेक्स भी होगा इसमें सॉकर का एक स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम इंडोर ऑडिटोरियम वॉलीबॉल और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए हम जगह छोड़ रहे हैं आने वाले वक्त में 5-10 साल में इंशाल्लाह वहाँ जो जो नए स्पोर्ट्स आएंगे उनकी भी जगह होगी साथ साथ हम उसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं और उसमें हम फैमिलीज़ के लिए एक पार्क भी बना रहे हैं और साथ साथ उसमें हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी और इस तरह की चीज़ें भी बनाएं कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ऐसा इलाका ये एक ऐसी फैसिलिटी बने जहां हर दिन पूरे शहर के लोग 300-400 के लगभग डेली जाएँ कोई वॉक करे कोई खेले कोई तफरी में जाए कोई कमर्शियल एक्टिविटी में जाए ये कुल लागत ये इस प्रोजेक्ट का कोई 35 अरब रुपए है जो कि इंशाल्लाह हम 4 साल में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें और हर कॉम्प्लेक्स के अंदर रोज़गार के भी बड़े मौके इंशाल्लाह हम पैदा कर रहे हैं प्राइवेट के साथ साथ जो गवर्नमेंट के और कॉन्ट्रैक्चुअल वहाँ होंगे साथ साथ इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और हम चाहेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर ये सारे फैसिलिटीज़ जब बने तो लोगों को एक अच्छा माहौल एक अच्छा जाने के लिए एक तफरी के लिए एक जगह मिले ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनके लिए बेहतरी भी है सर ये बताएगा कि यौम दिफाए पाकिस्तान आ रहा है मुल्क को इस वक्त बैरूनी खतरात भी लाहक हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यौम दिफाए पाकिस्तान को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को खतरात लायक नहीं है खतरात दूसरे लोगों को लायक हैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दिफा भी जानता है और पाकिस्तान अपनी सारे मामलात के लिए कुव्वत भी रखता है हर लिहाज से और इसकी मिसाल और इसका एक छोटा सा जैसे हम कहेंगे ट्रेलर दुनिया ने देखा भी है तो हम चाहते हैं कि हमें उस चीज़ों को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए
पाकिस्तान हमेशा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल मुल्क रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी ऑफेंसिव वॉरफेयर में कभी आगे नहीं आया है, लेकिन जहां हमारी सरहदों और जहां हमारी ऊपर लोगों ने कोशिश की है तो हमने उसका दिफा भी बड़े अच्छे अंदाज में किया है। हमने पॉलिटिकली चीज़ों को बनाने के लिए बड़ा अच्छा रोल भी प्ले किया है, चाहे वह अफगानिस्तान हो या दूसरी चीज़ें हों। तो लिहाजा हम ये महसूस करते हैं कि 6 सितंबर का जो दिन आ रहा है पाकिस्तान के लिए, हमेशा की तरह उसी अज़म के साथ हमारी कौम, हमारी अफवाज उसी तरह खड़ी है और हम दुनिया में दुनिया को असल में भारत के हवाले से उसका असल रूप दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो गवर्नमेंट भारत की नहीं है जो माजी में शायद होती थी। आज की ये गवर्नमेंट जो है ये बड़े अजीब अंदाज़ में अपने हाथों को खूनों से लद कर कश्मीर के मामलात को ख़राब करके उनके हकूक छीन के आगे की तरफ जा रही है और दुनिया को उसका चेहरा देखना चाहिए जो मेरे ख्याल किसी हद तक लोगों ने देखा भी है। सर, आपने फैमिली पार्क का जिक्र किया लेकिन आपने ये भी कहा था कि हम 6 से 7 पार्क बनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि कोटा में बलूचिस्तान में कोई चिड़ियाघर नहीं है, तो आप हम यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ के बलूचिस्तान के बच्चे, उनको खसूस तौर पर जो है ना वो शेर हाथी दिखाने के लिए लाहौर कराची जाना पड़ता है, तो इसके लिए अगर आप चिड़ियाघर को देखें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अग्री करता हूँ 100%। हम इसे फेज़ वाइज रख रहे हैं थोड़ा सा। पहली नौयत पे क्वेटा में आप प्लान इंशाल्लाह देखेंगे, क्वेटा में तकरीबन कोई 2 नए कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, मौजूदा कॉम्प्लेक्सेस जो अयूब स्टेडियम उसको बेहतर किया जाएगा, एक स्टेडियम इंशाल्लाह इसको हम बेहतर कर रहे हैं और एक जो हमारा मरियाबाद में है, अजारा टाउन में है, एक उसको इंशाल्लाह 8 से 9 बनाएंगे। फिर क्वेटा में तकरीबन कोई 7 से 8 फुटसॉल हैं वो बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और तकरीबन क्वेटा में कोई 7 पार्क हैं जिनको हम इंशाल्लाह बेहतर करने भी जा रहे हैं और कुछ को बनाने भी जा रहे हैं। जहाँ तक आपने एनिमल जू का कहा, बिल्कुल असल में जानवरों के हवाले से थोड़ी एक्सपर्टीज़ यहाँ बनानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि हम एक 112 का सर्विस भी यहाँ ला रहे हैं और उस 112 सर्विस के लिए हमें तकरीबन 6 महीने के लिए बलूचिस्तान से तकरीबन कोई 60 से 70 लोगों को वहाँ भेजना पड़ा जो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस तजवीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चीज़ ऐसी बनाएं जो पायदार हो, जहां वाकई ये ना हो कि ये जानवर बाद में वहां मर रहे हों और इनको संभालने का लोगों को तरीका नहीं आए। इसकी बाकायदा एक प्रॉपर एसएनई बनाई जाएगी जहां आपके पास एनिमल और इनकी ट्रीटमेंट और उनका तरीक़ेकार के लोग वो हों जिनको काम ही आता हो। इंशाल्लाह ये अलग बात है कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लोगों को हम कोशिश करेंगे तफरी मकामात बलूचिस्तान में अंदर ही मुहैया करें। ज़ियारत का एक बहुत बड़ा प्लान है, बलूचिस्तान के सियाहत के हवाले से कोस्टल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है, अभी मैं ग्वादर से आई हूँ वहाँ हो रहा है। आर्काइव्स डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा हम प्लान बना रहे हैं कि जहाँ बलूचिस्तान के ऐसे कदीमी हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम बेहतर करें, लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट हो, लोगों के लिए एक जाने की चीज़ हो, तो इन सारी चीज़ों पर एक बहुत बड़ी प्लान बन चुका है, PSDP में रिफ्लेक्टेड है। और इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे टोटल जो नई स्कीमात हैं PSDP की कोई 1700 के लगभग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 350-400 स्कीमात आज की डेट तक हम टेंडर कर चुके हैं, जो कि बलूचिस्तान में सबसे पहली दफ़ा हो रहा है कि नए PSDP के टेंडर जुलाई के अंदर हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो चुके हैं। और यही मकसद है कि जो PSDP का प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो, ग्राउंड पर लगे, क्वालिटी उसकी चेक हो, पायदारी उसकी हो और ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। शेल्टर होम शुरू किए गए थे कोयटा में, शेल्टर होम दो मुख्तलिफ मकामात पर, जी वो फंक्शनल नज़र नहीं आते, ताले लगे हुए वहाँ पर उसके। अमूमन मैंने देखा है जी, शेल्टर होम्स का कॉन्सेप्ट सर्दियों में ज़्यादा आता है, क्योंकि सर्दियों में ये वो लोग होते हैं जिनको शेल्टर कोयटा में, चूँकि मौसम बहुत एक्यूट ठंड की तरफ जाता है तो वो जगहें फिर देखते हैं। इन मौसमों में अमूमन शेल्टर होम को देखा गया कि शायद लोग इतने नहीं आते, लेकिन जैसी इसकी नीड बनती जाएगी हम उसको इंशाल्लाह और बेहतर भी करेंगे और कायम मजीद भी करेंगे। मैन ऑफ द मैच वली खान सुलीगेस। कैप्टन, रनर अप टीम देवा स्पोर्ट्स, अब्दुल जब्बार, जुमा बलोच, शेर अहमद, बिलाल अहमद, ये खिलाड़ी सुने, जरा टाइम नहीं है, वो जिला साहब को थोड़ा आप इतनी बोल दें।
बिलाल अहमद, मोहम्मद रियाज, जाहिद अहमद, अमानुल्ला, अब्दुल वहीद, रियाज अहमद, नवरोज, फहीम, नजीब, नसीब अहमद, कामरान, हासिम, अमीर जान, हबीब। अहमद अहद अहमदुल्ला अजमत आगा जान कबीर सरदार वली गुल मोहम्मद थोड़ा पीछे जाए थोड़ा सा सही 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 यार सीएम सब नहीं दिखता यार नहीं आ रहा था महमूद सारा हिला दिया।